नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। झारखंड के बोकारो जिले में बच्चों के फीस को लेकर अभिभावकों में काफी आक्रोश देखा गया। आपको बता दें, स्कूल में बच्चों के फीस नहीं देने के कारण बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है और वहीं टेस्ट एग्जाम भी नहीं देने दिया जा रहा है। झारखंड के बोकारो जिले में संत मेरी स्कूल सेक्टर 4 में बच्चों के फीस नहीं जमा होने के कारण बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है और बच्चों को टेस्ट एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। जब अभिभावक गण स्कूल पर गए और बात किया तो उनको बोला गया कि हम लोग सरकार का नियम पालन कर रहे हैं। इसके बाद अभिभावक बोकारो डीसी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे और अभिभावकों द्वारा कहा गया कि हम लोग संत मेरी स्कूल का कंप्लेंट करने आए हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम फीस नहीं देंगे, लेकिन फीस को कम किया जाए। अभिभावक का कहना है कि ये भी है कि स्कूल के द्वारा कहा गया है कि जो आवाज उठाएगा उनके बच्चों का लाइफ खराब करने की धमकी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन और इसकी अवधि बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है गार्डियंस के साथ भी समस्या हो रही, स्कूल्स के साथ भी समस्या हो जा रही है। और एक ऐसा समय आ रहा है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता प्रशासन और विद्यालय का अपना जो व्यवस्था है वो मिलके निकालेंगे, तभी बच्चों को स्मूथली और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। स्कूलों की तरफ से जो पेरेंट्स को मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही बात मैंने इससे पहले भी कहा कि ये बातें अभी उजागर हो रही है ज्यादा वृहद रूप से, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है और इसी में ऑनलाइन क्लासेस और ये स्कूल्स कंडक्ट करा रहे हैं, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, गार्जियंस के साथ भी प्रॉब्लम है। तो जब तक दोनों आपस में मिल करके बीच में प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा, मुझे लगता है समस्या अकेले मैं भी नहीं बता पाऊंगी, स्कूल्स भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि एक बार संयुक्त रूप से कुछ ना कुछ बीच का रास्ता कब तक निकलने का चांस लगता है इसके लिए वायु या मंडल पदाधिकारी से बातें करेंगे और 10-15 दिन के बीच में हम लोग प्रयास करेंगे। अभिभावकों ने संपर्क करने का काम किया और झारखंड अभिभावक संघ अपने पूरे टीम के साथ उन अभिभावक के दुख दर्द में शामिल हुआ और संत मेरी स्कूल पहुंचा। संत मेरी स्कूल के फादर से हम लोगों ने प्रयास किया मिलने का, वो बोले कि हम नहीं मिलेंगे, केवल अभिभावक से मिलेंगे जिसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वो अभिभावक हम लोगों ने ठीक है अभिभावक जाइए मिलिए, तो फादर उनको बहुत प्रेशराइज किए, मेंटली प्रेशराइज किए। बताइए इतने हम लोग उपस्थित होने के बाद संत मेरी का फादर का ये स्थिति है, तो अकेला जब गार्जियन जाएगा तो वो बताइए क्या स्थिति में रहेगा। उसी का कंप्लेन लेके हम लोग सारे अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे हैं, गुहार लगाने पहुंचे हैं कि ऐसे स्कूल को उसकी मान्यता को रद्द किया जाए जो अमानवीय व्यवहार अभिभावकों के साथ करता है, जिन अभिभावकों के पैसे से उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी कारें चलते हैं, उन अभिभावकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार। संत मेरी स्कूल मैंने क्या किया थी? संत मेरी स्कूल हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया और जो अभिभावक के बच्चे वहां पढ़ते हैं वो बोला फादर कि वो बच्चे का केवल गार्जियन से मिलेंगे। हम लोग बोले कि ठीक है बच्चे के गार्जियन से ही मिले। फीस उसका काम संत मेरी स्कूल हम लोग गए, बच्चे का ऑनलाइन क्लास से नाम काट दिया गया, आज उसका एग्जाम था पैसे के लेकर, तो फादर से अभिभावक जाकर मिला, लेकिन वो अपना दुखड़ा रोने लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम टीचर को नहीं पैसा दे पा रहे हैं। तो हम लोग सरकार के जो आदेश है उसका आदेश का हम लोग बोले कि आप पालन कीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन अभिभावकों को पैसे नहीं है किसी भी परिस्थिति में बच्चे का नाम नहीं कटेगा, ऑनलाइन क्लासेस से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। उसी का हम लोग कंप्लेन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास हम लोग सारे अभिभावक गढ़ पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ, मैं संत मेरी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं प्रेप में। मेरे को फ्राइडे को उनके क्लास टीचर से मैसेज आया, कॉल आया कि आपके बच्चे का फीस जमा नहीं है, इसलिए आप बच्चे का फीस जमा कीजिए 2-3 महीना का, नहीं तो आपका बच्चे का टेस्ट नहीं होगा, ओरल टेस्ट। हम बोले ठीक है मैडम, बात करेंगे। फिर आप लोग अपना संघ से बात किए, संघ बोला कि ठीक है मंडे के दिन चलते हैं मिलते हैं। मंडे के दिन हम लोग आए मिलने के लिए, तो पहले तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। फिर बोले कि नहीं ठीक है, पेरेंट्स सिर्फ अंदर आ सकते हैं, पेरेंट्स हम गए अंदर,
हमको बोले कि आप पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखे हैं, और उसके बाद फिर हम बोले कि भाई हम सब आदमी आए थे तो हमसे क्यों नहीं मिले, तो बोले नहीं हम बाहर का आदमी से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ पेरेंट्स से मिलेंगे। अब वो अपना फिर दूसरा सवाल है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कमजोर स्कूल है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम टीचर को दे सके, जो टीचर को मेरे पास 5-10 टीचर मेरा नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उसको हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कहाँ से करें अपने कपड़े करें। जो बच्चा फीस देगा उसी का हम लोग टेस्ट लेंगे, जो बच्चा फीस नहीं देगा उसका नहीं लेंगे, अगर आपको नहीं है तो अप्लीकेशन दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम MB इरशाद हुआ। भाई मेरा बच्चा का नाम कम से कम दे दीजिए, तो नहीं अभी नहीं हो पाएगा फिर सेकंड लिस्ट में आपका बच्चा का नाम जाएगा, आप फीस जमा कीजिए कम से कम 2-3 महीना का दीजिए, नहीं तो नहीं होगा। नाम काट दिया गया। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।